अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो है वो हम फिज़िक्स के पेपर को जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिज़िक्स के पेपर को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ और पेपर पैटर्न बोर्ड में किस तरह से पेपर आएगा वो क्यों डिस्कस कर रहा हूँ बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप मुझे अपने 10 मिनट से 15 मिनट दे रहे हैं तो आपको पता होने चाहिए कि ये 10 या 15 मिनट वाकई ही आपको फ़ायदा देंगे या नहीं देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग पेपरों की काफ़ी अच्छी तैयारी कर भी लेंगे और कर भी रहे होंगे, लेकिन अगर आपको पेपर पैटर्न नहीं पता है तो बहुत सी आप ऐसी मिस्टेक करेंगे, यानी बहुत सी ऐसी गलतियां करेंगे जिससे आपके 10 से 15 नंबर आराम से पेपर में सिर्फ पेपर में मिस्टेक करके कट जाएंगे। यानी पैटर्न नहीं पता होगा, टाइम मैनेजमेंट का नहीं पता होगा, आपको नहीं पता होगा कि कितने MCQs आएंगे, कितने क्वेश्चन आंसर्स आएंगे और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, कितने न्यूमेरिकल आएंगे। तो इन तमाम में टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं आती होगी तो आराम से 10, 15 या कम से कम 5 नंबर कटेंगे। अब हर पेपर में इस तरह से अगर आपके नंबर कटेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी कितनी परसेंटेज कम आएगी। ठीक है, अगर आपने जो है वो 92 की तैयारी की है, यानी 90% नंबर लाने के लिए तैयारी की है, तो वो 80s में चले जाएंगे या उससे नीचे भी। तो ये छोटे से टिप्स जो हैं मैं आज आपको पेपर के बारे में दूंगा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। इंशाल्लाह डिटेल में समझाऊंगा, बिल्कुल इस तरह से एनवायरनमेंट रखूंगा कि जैसे आप क्लास में समझ रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि बिल्कुल एक नए तरीके से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, माइक लगाकर, ट्राईपॉड लगाकर और बोर्ड लगाकर, जैसे कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स या बड़े बड़े जो टीचर हैं जैसे स्टैंडर्डाइज पढ़ाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए मैंने ये तरीक़ेकार फॉलो किया है। ठीक है, तो चलिए पेपर पैटर्न को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि पेपर आपका किस तरह का आएगा। ठीक है, तो मैंने मॉडल पेपर आप लोगों के साथ शेयर किया था, लेकिन बच्चों को मॉडल पेपर समझने में और मॉडल पेपर के बारे में जानने में थोड़ी सी मुश्किलात हुई, यानी उन्हें मॉडल पेपर अच्छी तरीके से समझ नहीं आया, इन शॉर्ट ये कह लीजिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिज़िक्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत, जितने भी आपके 9 क्लास के, मैट्रिक क्लास के, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के पेपर हैं, तमाम का पैटर्न आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो ये 10-15 मिनट की वीडियो देख लीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट सीख लीजिएगा और किस तरह से क्या करना है पता चल जाएगा। अच्छा, पेपर 2 घंटे का है, 3 घंटे का, 2.5 घंटे का, वो भी बता दूंगा। मॉडल पेपर में सब कुछ लिखा हुआ है इन डिटेल, तो वो आप वहाँ भी देख सकते हैं मॉडल पेपर को। ठीक है, मॉडल पेपर पर एक अलग वीडियो मैंने अपलोड की थी और यहाँ भी जो है मैं आपको इंशाल्लाह समझा दूँगा तमाम बातें। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है बताता हूँ कि पेपर कितनी देर का है। तो आपका पेपर जो है वो टोटल 3 घंटे का है। ठीक है, 3 आवर्स का जो है आपका पेपर होगा। अच्छा, 3 घंटे से मुराद क्या है कि 3 घंटे में आपको ऐसा नहीं है कि 3 घंटे जो है आपको सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे ही मिल जाएंगे। 3 घंटे भी आपके अभी मज़ीद डिवाइड होंगे। कैसे, आ जाएँ इसको देखते हैं। ठीक है, 30 मिनट मिलेंगे MCQs के लिए। कितनी देर मिलेगी MCQs के लिए? सिर्फ 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट जो है आपको मिलेंगे MCQs के लिए। 30 मिनट में आपने करने होंगे MCQs। अच्छा, अब इधर जो बच्चे गलती करते हैं वो बताता हूँ गलती क्या करते हैं। बच्चे गलती ये करते हैं कि वो जो है ना सारे MCQs के जल्दी जल्दी जो है वो आंसर लिख देते हैं, ये भी नहीं देखते कि कॉन्सेप्ट सही है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मेरे पास जो है वो MCQs 2 है। ठीक है, उसमें जो है मुझसे न्यूटन के लॉज के बारे में पूछा जा रहा है। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सा लॉ इधर पूछा जा रहा है, तो मैंने क्या किया, अंदाजतन तुक्का मार दिया और आगे बढ़ गया, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे उसका जवाब आता तो है लेकिन थोड़ा बहुत कंफ्यूज हूँ उसके जवाब में, लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो जल्दी से कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आपकी एक गलती हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब इसी तरह से आगे भी और गलतियाँ करेंगे। अब इसको ख़त्म कैसे करना है ये बताता हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और जो टीचर्स हमारे शेयर करते थे वो बताता हूँ। आपने इधर क्या करना है, आपने ये ब्लैंक्स, अगर ये MCQs आपको नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर ये MCQs आपको नहीं आ रहा है छोड़ के आगे बढ़िए। अब क्या है करना है मैं बताता हूँ, आपको पहला आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा, ठीक है दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरा चौथा आ रहा है वो करिए। अब जब आपके तमाम MCQs हो जाएंगे ना, देखिए 30 मिनट ज़्यादा होते हैं, आपके पास टोटल कितने MCQs है ये भी बता देता हूँ, आपके पास टोटल यहाँ पर 12 MCQs है। ठीक है, MCQs की तादाद कितनी होगी, MCQs जो है आपके पास 12 होंगे। ठीक है, ये 12 MCQs आपने करने हैं 30 मिनट के अंदर, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, यानी टाइम आपके पास अच्छा खासा होगा, टाइम आपको मिलेगा, आप लोग आराम से कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर जो MCQs नहीं आ रहा उसमें क्या करना है, आपने वो MCQs नहीं करना। ऐसा नहीं है कि बोर्ड में भी नहीं करना, खाली पर्चा दे देंगे, ऐसा नहीं करना, सिर्फ उस वक्त नहीं करना है, बाकी जो आ रहे हैं बिल्कुल श्योर हैं उन्हें जल्दी से उतार लीजिए। ठीक है, वो कर लीजिए। अच्छा, अब आपके MCQs हो गए हैं, अभी भी आपके पास 10 मिनट हैं। मेरे जब पेपर देता था तो ऐसा होता था कि हमारे में तो 15 MCQs आते थे,
तो फिर भी जो है मैं 15 या 20 मिनट में आराम से MCQs कर लेता था। एक MCQs करने के लिए 1 मिनट काफ़ी होता है, 10 मिनट बच जाते थे, वो 10 मिनट हम क्या करते थे, ज़ाया। ठीक है, इधर उधर बातें कर ली, इधर उधर कर लिया। अब पेपर देकर बाहर आए, अपने भाई के जो है वो पेपर से मैच किया, तो पता चला कि 4-5 MCQs गलत कर दिए, और फिर सर पकड़ के बैठे मैं, ये तो हमें आता था, फिर क्यों गलत किया। यूँ गलत किया कि टाइम मैनेजमेंट नहीं की, सही जो है वो तरीका फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो 5 नंबर यहाँ कटवाए, 5 नंबर हर पेपर में कटवाता गया, 5 नंबर MCQs में जो है वो माइनस करवा दिए, जो कि कॉन्सेप्ट पढ़ा, पूरे साल मेहनत की, अपनी गलती की वजह से 5 नंबर कटवा दिए। ठीक है, तो ये 5 नंबर मैंने आपके बचाने हैं। किस तरह बचाऊंगा मैं आपके 5 नंबर, जो MCQs नहीं आ रहा वो छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तमाम MCQs हो जाए उसके बाद फिर आप क्या कीजिए, उस MCQs पर आ जाइए। अब आप थोड़ा ध्यान लगाइए और अपने जो लॉस पढ़े हैं, आपने कौन से पढ़े हैं, उसको इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, अब सही जवाब नहीं मिल रहा तो गलत जवाब आप ढूंढना शुरू कर दीजिए कि 3 पॉइंट्स है ना, 4 पॉइंट्स, तो 4 में से गलत कौन सा है, तो 2-3 तो गलत मिल ही जाएंगे, तो 4th आपको खुद ही सही मिल जाएगा। तो इस तरह से MCQs करना है। समराइज़ करता हूँ अपनी बात को कि जो MCQs नहीं आ रहा उस वक्त छोड़ दीजिए, ठीक है, आगे बढ़ जाइए, जो आ रहा है वो करिए। अब जो 2-3 MCQs नहीं आ रहे थे उनको कीजिए, ठीक है। अब जो डाउट थे जिन MCQs में उनको देख लीजिए, इंशाल्लाह फिर ये आपके 12 में से 10 नंबर अगर गलत नहीं किए तो सिक्योर है, ठीक है, और अगर सारे सही कर दिए तो 12 के 12 सिक्योर कर लिए हमने। ठीक है, तो 3 घंटों में से जो हमारा 30 मिनट है यहाँ निकल गया, अब बचा है हमारे पास 2.5 घंटा। अब क्या करना है 2.5 घंटे में, ठीक है, अब हमारे पास बचा हुआ है 2.5 घंटा। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए कि पेपर में आपको जो है ना 2.5 घंटा कैसे लिख के दिया गया है, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं सर, कह रहे हैं बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर, कहते हैं बताएं इसका सर मतलब क्या है, कि ऐसे लिख के दिया हुआ है आपको, ठीक है, ऐसे लिख के दिया हुआ है, ऐसे करके लिख के दिया हुआ है, तो इसका मतलब भी 2.5 घंटा ही होता है। ठीक है, इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, इसका मतलब समझ रहे हैं वो 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट नहीं है, इसका मतलब 2.5 घंटा है, इस तरह लिखा हूँ या इस तरह, एक ही बात है। ठीक है, जब भी मैंने जो है वो पेपर पैटर्न आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। ठीक है, अच्छा, तो अब जो है वो पेपर पैटर्न आ जाते हैं फिज़िक्स की तरफ। अब आता है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अब क्या आते हैं हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, किस तरह से करने हैं। ठीक है, तो चलें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को निकालते हैं। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स दोनों के लिए आपको सेम टाइम नहीं मिलेगा, मतलब आपको खुद ही टाइम मैनेजमेंट करनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कितने हैं, उसमें न्यूमेरिकल कितने हैं। बच्चे न्यूमेरिकल छोड़ रहे हैं, ठीक है, इंशाल्लाह जो ग्रुप में हमारे बच्चे ऐड हैं उनके लिए न्यूमेरिकल सेशन में शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सबाम सॉल्व करा दूंगा, फोर्स के न्यूमेरिकल और न्यूटन के न्यूमेरिकल्स और जो हमारे आगे वर्क के, पावर के, मोमेंटम के, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं तब सब करा दूंगा इंशाल्लाह डिटेल में और समझा दूंगा। ठीक है, तो ग्रुप में ऐड नहीं है तो ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाइएगा। ठीक है, ग्रुप में हमारे जो है वो 150 से प्लस बच्चे हैं, यानी 150 से ज़्यादा हमारे बच्चे हैं और मुख्तलिफ सेशन है ग्रुप्स के, गर्ल्स बॉयज़ ग्रुप अलग है, तो ऐड हो जाइएगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं, बात करते हैं कि थ्योरेटिकल पेपर क्या होगा, यानी जिसमें सिर्फ थ्योरी लिखनी है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। अच्छा, थ्योरेटिकल पेपर में डेरिवेशन भी हो सकती है, और आपके पास कितने जो है वो MCQs आएंगे ये मैंने आपको बता दिया। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कितने आएंगे, अच्छा वैसे तो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके पास 16। ठीक है, कितने, 16। अच्छा, मॉडल पेपर मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ तो उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और ग्रुप में जो बच्चे हैं उनके पास तो पहले से ही होगा। 16 क्वेश्चन है शॉर्ट, जिसमें से आपके पास कितने, 8 जो हैं वो थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं, यानी जिसमें आपने डेफिनेशंस बतानी है, न्यूटन्स के लॉ थ्योरी बतानी है और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करनी है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं कि इनमें कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। 2.5 घंटा आपको दे दिया है एग्जामिनर ने, 2.5 घंटे में आप चाहें तो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करें या लॉन्ग और शॉर्ट दोनों करें या सिर्फ लॉन्ग कर लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेते हैं किस चीज़ में। अच्छा, बहुत से बच्चे जो हैं वो जल्दी भी कर लेते हैं, यानी वो क्या करते हैं, मैं अपने टाइम में बताता हूँ क्या करता था, 1 घंटा 45 मिनट जो है मैं देता था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को, और उसके बाद जो टाइम बच जाता था, जैसे कि कितना बच रहा है हमारे पास जो है वो 45 मिनट और बच रहा है, तो वो जो 45 मिनट थे वो मैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को देता था और ईजीली 2-3 मिनट पहले पेपर ख़त्म होता था मेरा। ठीक है, पूरा, ऐसा नहीं हाफ पेपर छोड़कर आता था, पूरे पेपर कर आता था। जब भी आज यहाँ पर खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपने भी पूरे पेपर करने हैं। ठीक है, इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स दोनों के लिए आपके पास जो है वो कितने हैं, आपके पास शॉर्ट एंड लॉन्ग, ठीक है, दोनों के लिए आपके पास जो है वो 2.5 घंटे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस लिख देता हूँ। ठीक है,
तो अब आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, आपने क्या करना है कि एक घंटा 45 मिनट इसको दे दीजिए, ठीक है। कितने बच रहे हैं, 30 मिनट जो है वो ढाई घंटे से और 15 मिनट इधर से बचे, तो आप जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को 45 मिनट दे दीजिए, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को टाइम कम नहीं देंगे, ज़्यादा ही देंगे, ज़्यादा होते हैं, लंबे क्वेश्चन होते हैं, हाँ आपको करने दो होते हैं लेकिन होते ये भी ज़्यादा है, ठीक है। इसमें भी पार्ट्स वार्ट्स बना के देते हैं ये, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कितने करने हैं, कितने में से। 16 क्वेश्चन है टोटल, 16 में से आपने करने हैं यहाँ पर, अच्छा पार्ट्स हैं यहाँ पर, पहले तो एक डिस्कस कर लें, पार्ट वन पार्ट टू, ठीक है। पार्ट वन पार्ट टू क्या है ये बता देता हूँ। पार्ट वन सिर्फ थ्योरी वाले क्वेश्चन करने हैं, पार्ट वन में क्या करना है, सिर्फ थ्योरी, ठीक है। पार्ट वन में सिर्फ थ्योरी वाले क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, टोटल पार्ट वन में आपको मिलेंगे कितने, 8 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। टोटल मिलेंगे आपको 8 क्वेश्चन, 8 में से आपने करने हैं, 8 में से आपने करने हैं 5 क्वेश्चन, ठीक है। आप वो आपकी मर्ज़ी है, आप कितने कौन से 5 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आपको जो है वो 8 क्वेश्चन मिलेंगे, आपने 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, थ्योरी वाले में। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स नहीं छोड़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल, पार्ट टू लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल में पार्ट टू है, पार्ट टू में है हमारे पास न्यूमेरिकल, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल में कितने आपने करने हैं, न्यूमेरिकल में आपको दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो हैं वो आपको न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, 5 आपने यहाँ भी न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। 5 वहाँ भी करने हैं, 5 यहाँ भी करने हैं, तो न्यूमेरिकल कितने करने हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स कितने करने हैं, टोटल आपको 8 मिलेंगे, ठीक है, 5 आपने करने हैं। अब आ जाते हैं टाइम मैनेजमेंट पे, कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, सेम तरीके से टाइम मैनेज होगा जैसे एमसीक्यूस में बताया। जो न्यूमेरिकल नहीं आ रहा उसके ऊपर अपना टाइम ज़ाया ना करें, दिमाग लगाने से अच्छा आगे बढ़ें, जो आ रहा है उसको जल्दी से करें, फिर जो नहीं आ रहा उसके ऊपर टाइम दे सकें, ठीक है। तो ये आपने जो है यहाँ पर इस तरीक़ेकार को फॉलो करना है। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको यूँ झुका हुआ नज़र आ रहा होगा, तो ये सीधा लिखा है वैसे तो मैंने, लेकिन वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया क्या आपने कैसे करना है। अच्छा, अब यहाँ पर अपने नंबर आपने कैसे सेव करने हैं, मैंने आपको न्यूमेरिकल करने के तरीक़ेकार सिखाए थे, ट्रिक सिखाई थी, ठीक है। कैसे ट्रिक सिखाई थी कि सबसे पहले गिवन डेटा, क्या आपको डेटा दिया हुआ है वो लिखना है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, टू फाइंड वो लिखना है, उसके बाद सोल्यूशन डालकर सॉल्व कर देना है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, तो ये हमारे दो चीज़ें हो गई। अब आ जाते हैं आखिरी, आखिरी जो है हमारे पास सेक्शन सी। अच्छा, ये सेक्शन ए था, ठीक है, ये सेक्शन बी था, ये वाला सेक्शन ए था मैं, ठीक है, ये वाला सेक्शन आपके पास ए था, ये वाला सेक्शन आपके पास बी था। सेक्शन बी और सेक्शन सी करने को आपको दोनों को ढाई घंटे मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग टाइम नहीं मिलेगा, ढाई घंटे में से ही आपने टाइम मैनेजमेंट करना है। अच्छा, सेक्शन सी देखते हैं, सेक्शन सी आ गया। सेक्शन सी में आपके पास टोटल है हमारे पास 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ठीक है। इधर आपको डायरेक्ट जो है वो 5 क्वेश्चंस दे रहे हैं, ये 5 क्वेश्चंस दे रहे हैं लॉन्ग, कितने करने हैं, सिर्फ 3, लेकिन ये 3 भी सिर्फ नहीं होंगे, करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम ये भी कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपने इस तरह से टाइम को जो है मैनेज करना है और करना है क्वेश्चंस को। अच्छा, अब बहुत से बच्चों का सवाल होगा कि सर ये मॉडल पेपर सॉल्व करवा दें, तो इंशाल्लाह सॉल्व भी करवा दूँगा, ठीक है, आपको समझा रहा हूँ चीज़ें तो सॉल्व भी करवा दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको बात जो है वो मेरी समझ में आ गई होगी, किस तरह से टाइम बचाना है, किस तरह से करना है, 5 में से 10 क्वेश्चंस कितने करने हैं, क्या करना है बता दिया। अच्छा, देखें ये ज़रूरत क्यों पेश आई, देखें अक्सर हमारे पास इस तरह की गाइडेंस नहीं होती थी। पहले पेपर में गए, पहले पेपर में जाकर टीचर से पूछ रहे हैं, टीचर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में से कितने करने हैं, ठीक है, तो टीचर तो अच्छे थे, उन्होंने बता दिया कि इतने करने हैं, हमारे टाइम पे थोड़ा अलग हिसाब था, तो उन्होंने बता दिया, हमने कर लिया। लेकिन कुछ टीचर जो है वो गुस्सा हो जाते हैं कि बार बार बच्चा तंग कर रहा है, क्या बच्चा यहाँ तो पढ़ के नहीं आया, या तो चीटिंग करना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है, टीचर हो जाता है गुस्सा। क्यों गुस्सा क्यों हो जाता है, क्योंकि जब टीचर बात कर रहा होता है आपसे तो दूसरे बच्चों पर से उसका ध्यान हटता है, और अगर कोई कुछ गलत करता है तो फिर वो जो है टीचर को भी उसका रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने फुलफ़िल क्यों नहीं की। तो इन तमाम चीज़ों से आप बचें, टीचर से पूछने से, टीचर को डिस्टर्ब करने से, इसीलिए ये पेपर पैटर्न डिस्कस किया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, मॉडल पेपर आपके साथ शेयर कर दिया था मैंने,
तो वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कैसे, आप लिखिएगा मॉडल पेपर 2022 और एमएफ इंग्लिश सेंटर, इंशाल्लाह आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा। ठीक है, एमएफ इंग्लिश सेंटर लिखिएगा, आपको जो है वो मॉडल पेपर मिल जाएगा। ठीक है, मॉडल पेपर मिल जाएगा तो फिर आप ख़ुद भी देख लीजिएगा, और जो समझ नहीं आएगा वो मैंने डिस्कस यहाँ पर कर दिया है, तो वीडियो दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तो आई होप कुछ ऐसा ना हो जो कि समझ ना आया हो, तमाम चीज़ें लिखवा दी हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी आराम से जो है वो तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में कोई और मॉडल पेपर डिस्कस कर दूंगा, वो भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, 10 मिनट या इससे कम कम की वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपको पता है पेपर के बारे में समझा रहा हूँ, आपके नंबर हैं इसमें। ठीक है, इसमें आपके नंबर आने हैं तो इसलिए मैंने बताया। अच्छा, प्रैक्टिकल का अलग हिसाब है, प्रैक्टिकल तो आपके स्कूल में होते हैं तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ज़्यादा प्रॉब्लम थ्योरी पेपर में होती है क्योंकि वो बोर्ड के होते हैं और दूसरे किसी सेंटर में पड़ता है बोर्ड आपका। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इतनी मेहनत की है तो आपने क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करना है और बेल आइकॉन प्रेस करना है। आगे भी सीरीज़ बना रहा हूँ पूरी आपके साथ, जो है वो मैट्रिक के भी और 9 के भी तमाम जो है वो मैं पेपर और उनका पैटर्न शेयर कर दूँगा। वीडियोज़ देखते रहिएगा, इंशाल्लाह सीखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।